जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद शहबाज़ बुखारी सीईओ फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नेटवर्क हाजिर है आपके लिए ज़बरदस्त एक वीडियो लेके नई अपडेट के साथ। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि मेरी कोशिश होती है कि हमारे इस फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नेटवर्क के चैनल से आपको बेशुमार जो है वो वीडियोज़ मिले, इन्फॉर्मेशन मिले प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसमें आप लोग कल को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ़ायदा हो, या कहीं पर भी आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर ली है तो उसके अंदर आपको अपडेट भी मिलती रहा करें। ये हमारा चैनल जिसके अंदर मैं और मेरी टीम मिलकर जो है वो आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करती है कि आपको हर तरह की अपडेट आपको दी जाए। नया प्रोजेक्ट आया हो मार्केट में, या नई कोई डील आने वाली हो, या कोई भी अपडेट हो उसके रिलेटेड जो है आप दोस्तों का जो है वो बड़ा हम ख्याल करते हैं कि आप लोगों को प्रॉपरली हम अपडेट कर सकें। आज की नई अपडेट है बहरिया टाउन के हवाले से, बहरिया टाउन सेक्टर जी। जी हाँ, बहरिया टाउन सेक्टर जी ने अपना सेक्टर जी का मैप लॉन्च कर दिया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका इंतज़ार था बड़े अरसे से, बड़े महीनों से सुनने में आ रहा था कि आज होगा, कल होगा, या परसों जो है वो बहरिया अपनी डील लॉन्च करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल आखिर बहरिया टाउन सेक्टर जी की जो है ये डील आ गई है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने सबसे पहले जो है आपको हमने आगाह किया था, आज से दो महीने पहले भी हमने आपको बताया था सेक्टर जी के मुतालिक बहरिया टाउन की डील के हवाले से कि सेक्टर जी जो है वो कब आने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेशन रेट जो है वो क्या होगी। और आज हम बात करते हैं कि जो बहरिया टाउन ने अपना जो मैप लॉन्च किया है उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है, उसका मैप किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसके अंदर कितने प्लॉट होंगे, और साथ साथ हम ये भी इसके अंदर डिस्कशन करेंगे कि कौन सी जो है एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। वैसे तो बहरिया टाउन की तमाम तर जो अभी कटिंग मैंने देखी है उसके अंदर बड़ा अच्छा जो है वो मुझे इसके अंदर लग रहा है कि तमाम तर कहीं भी अगर आप प्लॉट बाय करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा होने वाला है। चलते हैं जी उसकी तरफ, मैप की जानिब, और मैप जो है ये खुल गया है हमारे सामने। तो नाज़रीन जी आपके सामने बहरिया टाउन सेक्टर जी का मैप। इसके अंदर बेसिकली बहरिया टाउन इस दफ़ा किया क्या है कि जी बहरिया वालों ने इसके अंदर जो है वो सेक्टर M1, M2, M3 और M4 का नाम रखा है, इसके साथ साथ सेक्टर M5 भी है। ये आपके सामने मैप है, ठीक है, और इसके अंदर टोटल इसका एरिया कितना है वो भी मैं आपको बताता हूँ जी। इस वक्त जो इसका टोटल एरिया जो है बहरिया टाउन ने बनाया है वो जी 806.73 कनाल का ये इसका टोटल एरिया है जो मास्टर प्लान लिखा हुआ है। इसके अंदर जो M5 है उसका टोटल एरिया 61.23 कनाल है, और यानी कि छोटा छोटी सी कटिंग है, एक छोटा सा एक लैंड है जिसको हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जो है इसके सराउंडिंग में जो भी लैंड है वो बहरिया एक्वायर कर लेगी और उसको मजीद एक्सपेंड कर लेगी। और जो बाकी जो मेजर सेक्टर्स बनाए हैं सेक्टर जी के अंदर, सेक्टर M1 है, सेक्टर M2 है, सेक्टर M3 और सेक्टर M4, इसका टोटल एरिया है 745.50 कनाल। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जी 10.90 प्लॉट है जी फॉर बहरिया लिखा हुआ है। अच्छा, प्लॉट डिवीजन लिखा हुआ है मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है, अभी इसकी की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो फॉर बहरिया से मुराद है जो कि लैंड बहरिया के पास है, फॉर लैंड ऑनर जो बहरिया ने वहां के जो ऑनर्स थे यानी कि जिनके वो ऑलरेडी लैंड थी उनको उनका कोटा दिया है, उसको उसके हिसाब से एडजस्टमेंट की है, मतलब कि जिनकी वो लैंड थी उनको भी उनका पोर्शन दिया गया ताकि वो भी इसके अंदर जो है अपने तरीके से इसको कल को सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने 10 मरला का प्लॉट है जिसके अंदर 90 प्लॉट है फॉर बहरिया, 91 प्लॉट है फॉर लैंड ऑनर्स। इसी तरह से 5 मरला के प्लॉट 237 एंड 234, और एक ही जी 4.22 कनाल का कमर्शियल है, बहुत बड़ा कमर्शियल है जो कि पूरी इस वक्त कटिंग के अंदर दिया गया है। और इसी तरह से 8 मरला के 8 प्लॉट है 8 मरला कमर्शियल के, और इसी तरह से 5 मरला कमर्शियल के 69 प्लॉट है। टोटल अगर इन दोनों को हम काउंट करते हैं तो 808 प्लॉट बन रहे हैं जी सेक्टर M1 के, सेक्टर M2, M3 एंड M4 के। और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं जी सेक्टर M5 के अंदर कितने प्लॉट हैं, वो भी 5 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट 34 है, फॉर लैंड ओनर भी 34 है, यानी कि ये टोटल 5 मरला के प्लॉट इसके अंदर 68 है। 5 मरला कमर्शियल के प्लॉट M5 के अंदर जो है टोटल 10 है। इसी तरह से टोटल प्लॉट की प्राइस जो है जो काउंट बनते हैं वो है 78। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मजीद, इसको हम स्टडी कर लेते हैं
ये जी इसके अंदर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहां से ये एरिया स्टार्ट होता है। ये अलग जो है 50 फीट रोड और मेन बुलेवर्ड के पास, ये जी 1C to 7C, मतलब कि यहाँ पे टोटल 7 प्लॉट हैं, वो जो कि 8 माला कमर्शियल के हैं, और ये भी जी जो 8C से 16C तक जो है, ये भी 8 माला के प्लॉट हैं। यहाँ पे जी 5 मरला जो है उसका ये दिया गया है जी कमर्शियल, सॉरी पार्क दिया गया है यहाँ पे, और इसी तरह से 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट इस बाउंड्री के साथ दिए गए हैं, यानी कि ये वाले जो प्लॉट है ये फेसिंग पार्क होंगे। इसके साथ यहाँ पे इसके ऑपोजिट साइड पे जो है ये 150 की जी वाइड रोड है, यहाँ पे भी पार्क 2.78 का जो है यहाँ पे कनाल का जो है ये प्लॉट दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे एक मॉस भी जो है से 4.64 कनाल की जो है यहाँ पे मॉस भी दी गई है। अच्छा, और इसके बाद इसी में बुलेवर्ड पे रहते हुए ये सारी कटिंग आप देख सकते हैं, ये जी है 5 मरला कमर्शियल की, और ये जो है ये 10 मरला प्लॉट है, ठीक है। इसी तरह से ये भी 10 मरला प्लॉट की कटिंग है, ये भी 10 मरला प्लॉट है। यहाँ पे 15 कनाल का जो एक बड़ा पार्क दिया गया है सेक्टर M1 के अंदर, और ये मोस्टली यानी कि सेक्टर M1 के अंदर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 10 मरला की प्लॉट की कटिंग ज्यादा है, 5 मरला का एक सिर्फ ये साइड में नजर आ रही है। ये 5 मरला प्लॉट की रेजिडेंशियल सिर्फ 5 प्लॉट यहाँ पे दिए गए हैं सेक्टर M1 में, और बाकी जो प्लॉट हैं वो सारे 10 मरला के हैं और कमर्शियल हैं। M2 में आ जाते हैं, M2 के अंदर भी इसी तरह से जी ये 5 मरला के कमर्शियल हैं, ये सर्विसेज एरिया दिया गया है, ये 10 मरला के प्लॉट हैं ये सारे M2 के अंदर, ये भी 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट है, यहाँ पे 5 मरला के कमर्शियल दिया गया जी। और इसी तरह से सबसे बड़ा जो कमर्शियल है यहाँ पे M2 के अंदर, वो भी 4.47 कनाल का दिया गया है, और इसी तरह से M1 के अंदर भी जो कमर्शियल है 4.22 कनाल का जो है यहाँ पे दिया गया है। इनके सामने जो है वाइड पार्किंग दी गई है 3 3 3 3 फीट की। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज है जी, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि हर कमर्शियल के आगे जो है 30 फुट की पार्किंग दी गई है। मिनिमम रोड जो है यहाँ पे जो स्ट्रीट रोड्स हैं वो 40 फीट की होगी, वाइड रोड्स होंगी मिनिमम, इसके बाद 50 फीट की होगी, 60 फीट की भी होगी, लेकिन जो कमर्शियल को जो है उन्होंने 30 फीट की जो है एक वाइड पार्किंग दी गई है, जो कि बड़ी जबरदस्त है। इसी तरह से हम आए थे जी M3 के अंदर, M3 के अंदर जी ये सारे जो है ये 5 मरला प्लॉट है रेजिडेंशियल, ये भी 5 मरला, ये भी 5 मरला है, ये भी 5 मरला के प्लॉट्स हैं, ये भी 5 मरला के प्लॉट्स हैं। इसी तरह से इस साइड पे भी 5 मरला के प्लॉट हैं, और ये कमर्शियल हैं जी, और इसके साथ साथ ये भी कमर्शियल जी 5 मरला के। ये जी M3 के अंदर मोस्टली जो है बल्कि कटिंग ही 5 मरला की रेजिडेंशियल प्लॉट की दी गई है। यहाँ पे भी एक पार्क जो है 6.39 कनाल का यहाँ पे जो है वो जो है एक पार्क दिया गया है। इसके साथ ही M4 के अंदर आए थे, M4 के अंदर भी जनाब ये देखें, ये भी 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट है, ये 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट है, यहाँ पे पार्क जो है एक बहुत बड़ा पार्क दिया गया है जी 14.58 कनाल का, और इधर भी 5 मरला कमर्शियल है। यहाँ पे इस रोड पे भी जो मेन मेन बुलेवर्ड वाली जो फेसिंग है वहां पे भी 5 मरला कमर्शियल दिया गया है, और इधर भी 5 मरला के प्लॉट हैं, और ये भी जो जी 160 से 151 की कटिंग दी गई है, और 161 से 170 के अंदर जो है ये भी 5 मरला के प्लॉट हैं। तो इस मैप को देखते हुए मुझे क्लियरली मैं आपको कह सकता हूँ कि 10 मरला प्लॉट की कटिंग M1 M2 के अंदर है, और इसी तरह से जो 5 मरला प्लॉट की कटिंग जो रेजिडेंशियल है वो M3 और M4 के अंदर दी गई है, और इसी तरह से M5 के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 5 मरला प्लॉट की जो है रेजिडेंशियल प्लॉट की कटिंग दी गई है, और इसके अलावा साथ साथ जो है 5 मरला कमर्शियल प्लॉट जो है इसके अंदर मुतारफ कराए गए हैं, जो कि सिर्फ 5 है। तो नाजरीन ये बड़ा एक जबरदस्त जो कि यह है मैप है, थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इससे बड़ा होगा, इसके अंदर शायद एक एक मरले का भी सॉरी 8 मरले का भी प्लॉट आएगा इसके साथ साथ, और इसके साथ साथ मैं ये भी कोशिश कर रहा था कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके अंदर जो है एक कनाल के भी प्लॉट आएंगे, क्योंकि एक प्लॉट एक कनाल के जो रेजिडेंशियल प्लॉट थे उसकी भी बहुत ज्यादा क्यूरियस थी इसके अंदर। तो ये आपके सामने प्लॉट बहरे टाउन का, और इसके अंदर अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, बहरे टाउन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे आप चेक बना सकते हैं। इंशाल्लाह कल एक्सपेक्टेड है कि इसका पेमेंट प्लान भी आ जाएगा,
और पेमेंट प्लान के हवाले से मैं वैसे भी आपको एक रफली मैं बता देता हूँ जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो क्या है, वो अभी आप अपनी स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं। तो नाजरीन ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जी जो कि एक्सपेक्टेड है प्राइसेस सेक्टर जी के हवाले से 5 मरला की यहाँ पे मेंशन है 49 लाख, मेरे मुताबिक 50 to 55 लाख के अंदर होगा। इसी तरह से रेजिडेंशियल प्लॉट जो है उसका यहाँ पे 79 लाख लिखा हुआ है, तो जी 10 मरला प्लॉट का मेरे मुताबिक 80 to 85 लाख के अंदर अंदर ये प्लॉट होगा। और इसी तरह से 5 मरला जो कमर्शियल प्लॉट है ये 2 करोड़ 15 लाख का है और जो कि 2.25 करोड़ के पास आस पास हो सकता है। इसी तरह से जो 8 मरला का प्लॉट है वो 3 करोड़ 85 लाख का बनता है। पेमेंट पीरियड जी पेमेंट प्लान का जो पीरियड एक्सपेक्टेड है वो जी रेजिडेंशियल प्लॉट का 1 साल का है, यानी कि ये जो 5 मरला और 10 मरला प्लॉट है ये 1 साल के अंदर अंदर इसके अपने पेमेंट जो है वो क्लियर करनी है, और जो कमर्शियल होगा उसका 1.5 साल का पेमेंट प्लान है, यानी कि 1.5 साल के अंदर अंदर आप उसको क्लियर करेंगे। तो ये जी एक तफसीली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ साथ ये है कि आप अपने दबाव में याद रखिएगा, मुझे और बुकिंग करवाना चाहते हैं इसके हवाले से तो मेरे दिए हुए नंबर 03224222 पर रब्ता कर सकते हैं, और इसकी बुकिंग करवाने का बड़ा आसान सा तरीका है, आप जो है वो हमारे जो है फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नेटवर्क के ऑफिशियल अकाउंट में आप पैसे भिजवा सकते हैं जी, कंडीशन टोकन भिजवा सकते हैं या फिर आप कन्फर्म टोकन भिजवा सकते हैं। 5 लाख से लेकर 10 लाख के अंदर अंदर एक टोकन जो है वो आपसे लिया जाएगा, या फिर अगर आप पे ऑर्डर बनाना चाहते हैं तो 5 मरला प्लॉट के लिए आप 14 से 15 लाख रुपए का पे ऑर्डर बना के देंगे, और इसी तरह से 10 मरला प्लॉट के लिए आप 20 लाख का पे जो है वो बना के देंगे पे ऑर्डर। तो ये आपके सामने एक मैंने तफसीली वीडियो बनाई और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपनी अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा नई अपडेट के साथ, अपने दबाव में याद रखिएगा शहबाज बुखारी को, अल्लाह हाफिज़।